नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे कमलनाथ जी की कुंडली के बारे में कि इनका आने वाला टाइम कैसा है, 2024 में परफॉर्मेंस इनकी कैसी होगी। तो आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका स्टूडियो फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो कमलनाथ जी की हॉरोस्कोप कि इनका आने वाला टाइम कैसा है, 2024 में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी लोकसभा में, जो आजकल हर पॉलिटिशियन की लोग पूछ रहे हैं हमसे। तो आज हम इनकी कुंडली बनाएंगे और क्वेश्चन वही सेम है कि 2024 लोकसभा में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। पहले तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट और मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही वीडियोज़ अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पॉलिटिशियन पे देखना चाहते हैं जल्दी हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए और हमारी वीडियोस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। बस एक सेकंड दोस्तों, ये जो अभी से पहले दोस्तों आपने हमारी वीडियो की मामा जी की वीडियो देखी होगी, मामा जी माने के शिवराज सिंह चौहान जो अभी करंट सिटिंग हैं सीएम है दोस्तों। तो अब क्योंकि दोस्तों हम चल रहे हैं वन बाय वन स्टेट पे चल रहे हैं हम लोग, इससे पहले दोस्तों हमने यूपी का देखा था लोकसभा में, मैंने आपको बता दिया था। अब हमारा फोकस दोस्तों एमपी के ऊपर है और एमपी में दोस्तों हमने शिवराज सिंह चौहान के बनाई, कमलनाथ जी के बना रहे हैं दोस्तों, जिसमें मैं कोशिश करूंगा एमपी को भी जो चुनाव आने वाले मध्य प्रदेश के असेंबली चुनाव प्लस 2024 लोकसभा है ये दोस्तों दोनों कवर करके चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हम दो वीडियोज़ और बनाएंगे, एक दोस्तों हम बनाएंगे राहुल गांधी के जो गुरु हैं, मतलब पॉलिटिकल गुरु जो हैं, उनके वीडियो बना के चलते हैं दोस्तों, और एक हम बना के चलेंगे। बाकी मतलब बेसिकली चार हम लोगों ने वीडियो बनानी है यहाँ पे, दूसरी वीडियो आज हम बना लेंगे, उसका कंपेयर करके जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, या दिग्विजय सिंह की हो या दोस्तों क्या नाम है, नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनकी वीडियो बना के जो है जो जिनकी वजह से आज सरकार बनी हुई है तो उनकी हम वीडियो बना के चल के फिर मैं आपको अपना वर्डिक्ट दे दूंगा कि 2024 लोकसभा में क्या रहने वाला है और एमपी में चुनाव में दोस्तों किसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वापस से सरकार बनने के, क्या मामा जी रिपीट करेंगे या कमलनाथ जी जो हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप के साथ हैं वो इस बार धन बैक होने वाला है दोस्तों, एक बार डिस्कस करके देखते हैं। और दोस्तों एक बार एमपी ख़त्म हो जाए तो एमपी के बाद दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र कूच करते हैं, फिर वहाँ चलेंगे, वहाँ की सबसे ज़्यादा सीटें आती हैं यूपी के एमपी के बाद, महाराष्ट्र में दोस्तों बहुत सारी सीटें हैं लोकसभा में, वहाँ तो चुनाव भी आएंगे दोस्तों अगले साल, तो उसका भी अगर कवर अप करके चलते हैं। तो आज हम यहाँ पे चलते हैं इसके बाद। चलिए, ये इनकी कुंडली है और ये इनके प्लैनेट्स हैं कि कौन से कहाँ प्लेस्ड हैं। जो लोग सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो वो इनसे अपने राजयोग मैच कर सकते हैं, और जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, उनको हेल्प मिलेगी कि कौन से प्लैनेट्स होना ज़रूरी है एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बनने के लिए। तो मैं ये पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बोल दो। डेट ऑफ बर्थ है इनकी 18 नवंबर 1946, 12 PM हमने खुद लिया है क्योंकि अवेलेबल नहीं था बर्थ टाइम उस पर इंटरनेट पर, और कानपुर यूपी इनका बर्थ प्लेस है। तो ये जो प्रेडिक्शन है हमारी अपनी, आप इसको फॉलो करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। और तो हम ये पॉइंट्स पढ़ देते हैं। लगन है इनका मकर कैप्रिकॉन, जो कि शनि को डिनोट करता है। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस लग्न होता है, हमारी जो प्रिडिक्शंस होती हैं लग्न से होती हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली मैच करना चाहें कि पॉलिटिक्स के लिए उनकी कुंडली ठीक है या नहीं है, तो वो इनके प्लैनेट से, इनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से मैच कर सकते हैं। तो 10 नंबर इनका ये मकर लगन है कैप्रिकॉन, जो कि शनि को डिनोट करता है। चंद्र राशि इनकी वर्गो कन्या, जो कि मरकरी को डिनोट करती है। ये चंद्रमा लिखा हुआ है, 6 नंबर है। तो चंद्र राशि इनका मून साइन हो गया वर्गो कन्या, जो कि मरकरी बुध को डिनोट करती है, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फॉलो करते हैं। सूर्य राशि इनकी वृश्चिक है स्कॉर्पियो, जो कि मंगल को डिनोट करती है। ये सूर्य लिखा हुआ है 8 नंबर है। तो सूर्य राशि इनका सन साइन है स्कॉर्पियो, वृश्चिक जो कि उसको डिनोट करता है मंगल को। ऑल द लग्नास आर एक्सपेक्टिंग ईच अदर देयर हाउसेज, जो सब लग्न एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के हाउस को देख रहे हैं, ये सुमित समझाएंगे। 4th, 9th, 10th, 11th, 5th, मतलब 4th का लॉर्ड, 9th का लॉर्ड, 10th का लॉर्ड, 11th का लॉर्ड और 5th का लॉर्ड, ये सारे इकट्ठे हैं 11th हाउस में। तो ये सुमित समझाएंगे गेंस हाउस में। तो इनकी कुंडली कैसी है दोस्तों, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा था, मैंने आपको नाम याद आ गया मुझे, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोस्तों। यानी कि हम दोस्तों चार वीडियो बना के चलते हैं, हमने मामा जी के बना ली दोस्तों वीडियो, अब कमलनाथ जी की वीडियो है दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि बीजेपी में आए थे, जिनकी वजह से सरकार बनी है दोस्तों, और जो आज एविएशन मिनिस्टर हैं, और चौथे जो है दोस्तों कांग्रेस के
दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी के पॉलिटिकल गुरु, इन चारों को हम लोग एक बार कंपेयर करके चलेंगे और देखते हैं कि ऑब्वियसली बात दोस्तों कौन सीएम बन सकता है, क्या रहने वाले। हालांकि दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि मुकाबला दोस्तों डायरेक्टली 1-to-1 कमलनाथ जी के बीच में है और मामा जी के बीच में, इन दोनों कुंडली ही ज़्यादा मैटर करती है। बट दोस्तों उसमें लास्ट में हम लोग फैक्टर कर देंगे राहुल गांधी की, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, और ऑफकोर्स दोस्तों मोदी जी की, कि उनकी कुंडली भी दोस्तों कहाँ सपोर्ट करेगी, उनके रैलीज कितना काम करेंगे। तो इसके बाद एमपी के बाद दोस्तों फिर हम चलेंगे महाराष्ट्र। आज हम कमलनाथ जी को कवर करते हैं दोस्तों। दोस्तों इनका है लगन, मकर लगन है दोस्तों, जो कि अगर हम बात करें शनि दोस्तों इनकी कुंडली में सेल्फ को डिनोट करते हैं, यानी कि इनको खुद को डिनोट करते हैं। दोस्तों चौथा घर हमेशा ग्रह होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ दोस्तों, जनता का होता है। दोस्तों इसको आप लक कह सकते हो, और दोस्तों आप इसको कह सकते हो गेंस। ये सभी के चार्ट दोस्तों चाहिए कॉमन होते हैं, जो खासकर जो लोग पॉलिटिकल लाइफ में है, जो पब्लिक लाइफ के अंदर है दोस्तों, उनके लिए फोर्थ हाउस का इंपॉर्टेंट होना और टेंथ हाउस जो कि दोस्तों होता है सत्ता का, सत्ता का दोस्तों, सत्ता का इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा मस्त है, वरना फिर आप एक नॉर्मल लाइफ जी के रह सकते हो। दोस्तों कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड होगा शनि, दोस्तों चंद्र राशि कन्या जिसका भी लॉर्ड बनता है बुध, और दोस्तों सूर्य राशि है वृश्चिक जिसका भी लॉर्ड बनता है मंगल। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, कि जितने भी दोस्तों लग्न है या लग्न के लॉर्ड हैं दोस्तों, जैसे शनि बुध और मंगल, या तो आपस में दोस्तों कंबाइन करते हैं या अपने हाउस को देखते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा राजयोग बन जाता है। और दोस्तों मैंने आपको हर बार हर वीडियो में एक बात बताई, खासकर पर्सनैलिटीज़ के वीडियो में, कि किसी ना किसी में लगन जो होगा या लगन का जो लॉर्ड बनता है, सेल्फ का जो लॉर्ड बनता है, सेल्फ का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो अपने हाउस को देख के आपकी लाइफ में क्वालिटी भर देगा, आपकी लाइफ में लॉन्जिटिविटी दे देगा, आपके लाइफ में दोस्तों सत्ता रुतबा पैसा नाम छोड़ो सब देखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे आपको समझ, आपको मतलब समझ में आ जाएगा क्या हो क्या रहा आप इनके साथ। देखिए दोस्तों सेल्फ का लॉर्ड शनि अपने ही हाउस को, सेवंथ हाउस में यानी कि वाइफ वाले घर के अंदर अपने हाउस को देख के अपनी लाइफ को दोस्तों, अगर लगन का लॉर्ड हो भी शनि जैसा प्लैनेट जो सबसे स्लो प्लैनेट है, बहुत लंबी इसकी दशा आती है, 19 साल की दशा आती है दोस्तों, जब भी शनि अपने हाउस को देखेगा, लगन को देखेगा, अपनी राशि को देखेगा दोस्तों, लाइफ लॉन्ग आपके गेंस चलते हैं और लंबे टाइम से गेंस चलते हैं। चीज़ें बहुत स्लो रहती है, स्ट्रगल बहुत है, लेकिन जब मिलता है दोस्तों सब मिल जाता है, जो कि शनि की खासियत है दोस्तों। मतलब लगन का लॉर्ड यानी कि सैटर्न अपने हाउस को देख के, वो भी कैप्रिकॉर्न लगन को देख के बहुत ऊपर लेके चलेगा दोस्तों लाइफ को। उसके बाद मर्क्यूरी पर नज़र मारिए दोस्तों, मर्क्यूरी यहाँ पे बुध का लॉर्ड है, राशि का लॉर्ड, और दोस्तों राशि का लॉर्ड कहाँ पे आ गया दोस्तों, गेंद वाले हाउस के अंदर, और दोस्तों किसके साथ, सूर्य लगन के लॉर्ड के साथ, स्कॉर्पियो जो कि मंगल अपने ही साइन में है दोस्तों, सूर्य लगन का लॉर्ड मंगल अपने ही साइन में, और तो साथ में आकर चंद्र राशि का लॉर्ड मर्क्यूरी भी आ गया। और दोस्तों इसमें अगर हम लोग देखें कि एक लगन तो होगा दोस्तों शनि जो कि लगन का लॉर्ड, और बाकी दोनों लगन दोस्तों आपके 11th हाउस में, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों आपस में जितने भी लगन है दोस्तों, 5th और 9th हाउस प्लेस होने से, अगर लग्नेश आपस में तीनों लगन दोस्तों आपस में अच्छे प्लेस होंगे, साथ में प्लेस होंगे, अपने हाउसेज को देखेंगे, त्रिकोण के 5th और 9th के उनके वो होगा प्लेसमेंट होगी दोस्तों, किस्मत महाकिस्मत में तब्दील हो जाती है। और दोस्तों इसमें कोई शक शुबा होना भी नहीं चाहिए कि कमलनाथ जी जो हैं बहुत फाइटर भी हैं, बहुत जो तो हार्ड वर्कर भी हैं बिकॉज ऑफ शनि। और दोस्तों किस्मत की बात करें, ये सब लगन आपस में पार्टिसिपेट हो गए, और गेंस हाउस में आने से दोस्तों, सेल्फ के लॉर्ड्स का गेंस हाउस में आना अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से दोस्तों, ये राजीव गांधी के टाइम से एक्टिव हैं पॉलिटिक्स के अंदर, और तब से दोस्तों इनके जो आप कह सकते हो दोस्तों कि जो इनकी सक्सेस स्टोरी है वो चलते चले आ रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों इंदिरा गांधी जी के टाइम से सेटल्ड है, 1980 में इनकी एंट्री हुई थी पॉलिटिक्स के अंदर, तब तो इंदिरा गांधी जीवित थी, 84 में उनकी डेथ हुई, तो 84 में राजीव गांधी है, तो तब से दोस्तों ये चलते चले जा रहे हैं, इनका दोस्तों रुकना हुआ नहीं तब से लेके अब तक। दोस्तों अब ये देखिए, ये अपनी अपनी कुंडली देखिए, और दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि कुंडली में राजयोग किसे कहा जाता है। दोस्तों देखिए फोर्थ हाउस, देखिए दोस्तों जनता का लॉर्ड, दोस्तों किसी भी पॉलिटिशियन, मैंने बताया किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी पब्लिक फिगर के लिए जनता का मजबूत होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे जनता का लॉर्ड क्या बनता है, मंगल दोस्तों, वो आ गया गेंस हाउस के अंदर अपने ही साइन में, और वो भी राशि का लॉर्ड बनके, यानी कि जनता से दोस्तों गेंस लाइफ लॉन्ग मिलता चले जाएंगे दोस्तों। 1980 में आए थे, कितना 43 ईयर्स के आसपास, 43 साल के आसपास दोस्तों टाइम हो चुका है, और 43 ईयर्स में दोस्तों हमारे तो खैर आप में से कहीं को तो लाइफ भी इतनी नहीं होगी, और दोस्तों हमारी भी जस्ट क्रॉस हुई है, 43-45 क्रॉस हुई है हमारी, तो ऑलमोस्ट हमारी जो प्राइम टाइम पे दोस्तों ये पॉलिटिक्स के अंदर दोस्तों चलते चले जा रहे हैं बिना किसी रुकावट के। दोस्तों 9th किस्मत का, देखिए उसका लॉर्ड भी गेंस हाउस के अंदर, 10th सत्ता का लॉर्ड दोस्तों वो भी गेंस हाउस के अंदर, 11th कहाँ गया दोस्तों, हाँ 11th गेंस का लॉर्ड वो भी गेंस हाउस के अंदर, 5th किस्मत का, पैसे का, रुतबे का, किस बच्चों का दोस्तों वो भी 11th हाउस के अंदर। दोस्तों 11th हाउस के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ग्रह दोस्तों अगर 11th हाउस गेंस वाले हाउस में आ जाएंगे, जिसमें त्रिकोण भी है, सत्ता भी है, प्रोफेशन भी है, जब सबके सब दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे तो दोस्तों गेंस बढ़ ही जाते हैं। तो अपनी कुंडली में देखिए आप कि 9th किस्मत और 10th सत्ता, इनकी जो दोनों की प्लेसमेंट अगर इकट्ठे है, देखिए 9th इन 11th और 10th इन 11th और 11th इन 11th दोस्तों, बहुत कम होता है कि 9th 11th में, 10th 11th में, 11th भी 11th में, यानी किस्मत आशीर्वाद सत्ता का पावर
आपकी समझदारी, आपके गेंस, जनता का प्यार, दोस्तों वाइफ के सपोर्ट, चंद्रमा दोस्तों यहाँ पे आ गया 9th हाउस में, तो वाइफ के सपोर्ट, दोस्तों बच्चों की सपोर्ट, 5th का हाउस, 5th हाउस को देखते हैं बच्चों की सपोर्ट, तो कुल मिलाकर दोस्तों कुंडली में वो सभी गुण होते हैं जो हमें मिलने चाहिए। तो जितनी कुंडली में दोस्तों आपकी कुंडली में भी या किसी भी नॉर्मल इंसान की कुंडली के अंदर भी केंद्र त्रिकोण, त्रिकोण और केंद्र अगर इनके आपस में लॉर्ड्स कंबाइन करेंगे दोस्तों तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों 6 हो गया बुध, 7 हो गया शुक्र इकट्ठे हुए, दोस्तों 1 हो गया मंगल, मतलब 4th हो गया मंगल, और 5th हो गया दोस्तों शुक्र, वो भी इकट्ठे, यानी कि ये केंद्र त्रिकोण भी साथ में और ये वाला केंद्र त्रिकोण भी साथ में, और दोस्तों कहाँ पे गेंद वाले हाउस के अंदर, इतना ज़बरदस्त दोस्तों गेंद वाला पार्ट तो नॉर्मली नहीं होता दोस्तों जी। तो ये राजयोग है दोस्तों, 80 से अब तक जो इनकी सक्सेस स्टोरी चलते चली आ रही है दोस्तों, ना सिर्फ जीते हैं लोकसभा की, कितनी बार जीत चुके हैं, इनफैक्ट हम अगर इनको कांग्रेस का भीष्म पितामह कहें आज के डेट में दोस्तों कोई बुराई नहीं होगी, इतनी बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और लगातार जीते चले आ रहे हैं, ना सिर्फ जीते बल्कि मिनिस्टर भी बने दोस्तों, अलग अलग पोर्टफोलियो भी इनको दिए गए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे दोस्तों उसके मध्य प्रदेश के, और एक बार सीएम भी रह चुके हैं 2018 में दोस्तों, सीएम बने दिसंबर 2018 में, हालांकि 2020 में सरकार चली गई थी इनकी, तब मामा जी का टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इनका टाइम थोड़ा सा वीक रहा था तब, तो अभी हम लोग डिस्कस करके चलते हैं दोस्तों। अपनी अपनी कुंडली देखिए, अगर पब्लिक लाइफ में आप जाना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो 4th और 10th का दोस्तों जरूर देखिए, अगर ये दोनों आपके स्ट्रांग हैं तो आपको तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जैसे सेकेंड हाउस होता है आपकी, इसको भी अगर आप मान के चलो बोली का, आपकी बोली आप क्या बोलते हो दोस्तों, पॉलिटिशियन के लिए बोलना बड़ा मस्त होता है। देखिए 11 नंबर का लॉर्ड दोस्तों केंद्र शनि केंद्र के अंदर आए, पर अपने साइन को देखें, इनकी जुबान को, इनके कम्युनिकेशन को, इनकी स्पीकिंग को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तो हो गई सुमित, तो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, आपको समझा दिए कि कैसे कुंडली है इनकी, बहुत सक्सेसफुल कुंडली है ये, हम सब भी जानते हैं इनका पॉलिटिकल कैरियर कितना सक्सेसफुल रहा है। तो अब आ जाते हैं हम इनकी दशाओं पे, तो ये इनकी पहली दशा लेते हैं जो आपने लिखी हुई है, जुपिटर 1986 फरवरी 2002 तक चली, 16 साल की महादशा। तो ये दशा इनके लिए कैसे रही, इससे पहले राहु की दशा आती है, राहु इनके 5th हाउस की दशा है, जो कि आपने नहीं लिखी, मैं बता देती हूँ, 68 से लेकर 86 तक रही, 18 साल की महादशा, और इसी बीच ही शायद ये पॉलिटिक्स में आए थे, 5th हाउस की दशा इसी में है दोस्तों, 1980 में इनका पदार्पण हुआ। और अगर आप देखेंगे दोस्तों 5th हाउस का राहु या 11th का राहु नॉर्मली अच्छा ही रहता है, क्योंकि राहु एक्सपैंड करता है, त्रिकोण को भी एक्सपैंड करता है, लक को भी एक्सपैंड करता है दोस्तों। 1980 में दोस्तों ये प्रॉपर तरीके से पॉलिटिक्स के अंदर आए थे, शायद लोकसभा चुनाव पहली बार तभी जीते थे, 84 में जब दोबारा चुनाव हुए फिर वो दोस्तों वो जीते, यानी कि 80 में आए थे दोस्तों, और 84 में जब दोबारा चुनाव हुए, जब राजीव गांधी के अंडर दोस्तों चुनाव ने कांग्रेस क्लीन स्वीप किया था, तब भी चुनाव जीते ही थे। तो राहु की दशा दोस्तों इनके लिए बहुत पावरफुल रही। तो अगर आपकी कुंडली में दोस्तों राहु 5th हाउस के अंदर है और कोई इस पर नेगेटिव खासकर इम्पैक्ट नहीं है, इनफैक्ट जिसके हाउस में है राहु नंबर 2 में, उसका लॉर्ड शुक्र भी अपने हाउस को देख के राहु का डबल पावर देखे जा रहे हैं दोस्तों। एक थंबनेल होता है कि राहु और केतु की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, दे आर शेडो प्लैनेट्स। अगर वो किसी राशि के लॉर्ड, मतलब किसी राशि में बैठे हुए हैं और उस राशि का लॉर्ड भी उसी हाउस को देख रहा है, तो राहु का पावर कई गुना बढ़ जाती है, पॉजिटिव जो उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो मतलब कई गुना बढ़ के ज्यादा बेटरमेंट करके जाते, मतलब ये सिर्फ 22 साल के थे और उनकी राहु की दशा आई 16 साल की, जो कि इनके लिए बहुत फ्रूटफुल रही, बहुत ही यंग एज में पॉलिटिक्स में आकर हम सब देख रहे हैं कितने सक्सेसफुल रहे हैं। राहु की दशा 5th हाउस के इनके लिए बहुत अच्छी, मतलब ये मिथ है कि राहु अच्छा नहीं होता, डिपेंड करता है कि कौन से हाउस में, बिल्कुल वो डिपेंड करते हैं कौन से हाउस। चलिए इसके बाद आएंगे जुपिटर की दशा, 16 साल की महादशा, फरवरी 1986 से 2002 तक चली, और गुरु इनका 10th हाउस में, तो ये दशा तो इनके लिए बहुत अच्छी रही होगी दोस्तों। बिल्कुल ठीक बात है, अब गुरु की आप प्लेसमेंट देखिए, अब नॉर्मल लोग कहते हैं कि 10th हाउस में गुरु नुकसान करता है, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता। तो देखिए गुरु यहाँ पर ना सिर्फ 10th हाउस में बल्कि शुक्र के राशि में दोस्तों, एक गुरु दूसरे गुरु की राशि में कैसे नुकसान कर सकता, कभी कर ही नहीं सकता। तो 10th में दोस्तों गुरु आया, सत्ता वाले घर में दोस्तों गुरु आया, और जिसकी राशि में है जुपिटर के विराजमान, जो जिसमें प्लेसमेंट है शुक्र दोस्तों, वो अपने ही साइन को यहाँ पे प्लेसमेंट है गेंद वाले हाउस के अंदर है दोस्तों, खराब होने का तो मतलब ही नहीं था दोस्तों। इसका अगर हम एस्पेक्ट देख के चलते हैं, सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट गया दोस्तों, वेल्थ को बढ़ाया, प्रोफेशनल लग दिया दोस्तों। 4th हाउस पे एस्पेक्ट गया, पैसा, नाम, रुतबा, जनता का प्यार दोस्तों बहुत ज़्यादा मिल गया। और 6th हाउस पे दोस्तों जब एस्पेक्ट जाते हैं जुपिटर का, तो अल्टीमेटली दोस्तों होता पता कि आपके जितने मर्जी दुश्मन हो, आप पर जितने मर्जी हावी रहे, बट जुपिटर अपनी दशा में दोस्तों एक काम करता है, आपकी विजय हो ही जाती है वहाँ पे। तो इस जुपिटर ने दोस्तों इनके कुंडली को कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत ज़्यादा एक बैलेंस करके चला। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, गुरु के एक तरफ चंद्रमा है
और दोस्तों एक साथ इतने सारे शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो गुरु को जो दोस्तों सपोर्ट भी मिली, जो गुरु को जो सैंडविच था वो भी अच्छे प्लैनेट के अंदर था, तो यहाँ पे दोस्तों प्लेसमेंट अच्छी रहने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा मिला। तो जुपिटर की दशा भी दोस्तों, वैसे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे जुपिटर यहाँ पे थर्ड का भी लॉर्ड है, थर्ड होता है सेल्फ का, और दोस्तों सेल्फ का लॉर्ड जब सत्ता वाले घर में आएगा तो अपनी सेल्फ के पावर से आपको सत्ता मिल ही जाती है। चलिए, मतलब जुपिटर की दशा तो इनके लिए बहुत अच्छी रही। इसके बाद आई इनकी शनि की दशा जो कि 19 साल की होती है। इस दशा के बाद 2002 में और 2021 फरवरी तक चली, ये दशा इनके लिए कैसी रही? ये दशा भी अच्छी रहनी चाहिए, सेवेंथ हाउस की दशा जो कि होती बिजनेस पार्टनर और बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे आ गई आपके लगन की दशा, फर्स्ट हाउस की दशा। और मैं आपको एक बात दोस्तों हमेशा कहता हूँ, फर्स्ट हाउस की दशा विरले लोगों को ही आती है, कम लोगों को ही आती है। मतलब महादशा दोस्तों अंतरदशा तो आती ही आती है, महादशा दोस्तों किस्मतदार लोगों को आती है। और आपका फर्स्ट का लॉर्ड स्ट्रांगली प्लेस होगा दोस्तों, वो दशा आपकी लाइफ को किसी और लेवल पर लेकर चली जाती है, किसी और जोन पर ला कर छोड़ देती है। दोस्तों यहाँ पर शनि की महादशा, दोस्तों शनि लगन का लॉर्ड, और दोस्तों कहाँ पर केंद्र के अंदर भी है, अपने ही साइन को देख रहा है, और तो जिसकी राशि में है मून के साइन में, और मून दोस्तों लक वाले हाउस के अंदर है, यानी कि दोस्तों ये दशा हर लिहाज में अच्छी होनी ही होनी थी, नेगेटिव नहीं हुआ दोस्तों। इसी में दोस्तों चुनाव भी जीते, 2004 में चुनाव जीते, 2009 में चुनाव जीते, 2014 में जो मोदी जी की आंधी थी दोस्तों तब भी चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते, तो लगातार लोकसभा को चुनाव जीते चले जा रहे हैं। 2019 में दोस्तों शायद चुनाव नहीं लड़ते, बिकॉज तभी सीएम थे मध्य प्रदेश के, तो इसी दशा में दोस्तों सीएम भी बने ये। तो शनि की दशा दोस्तों इनकी बहुत ज़्यादा शानदार दशा रही। तो दोस्तों ये भी हम लोग कह सकते हैं कि मिथ है कि शनि की दशा नेगेटिव करती है। दोस्तों कैप्रिकॉर्न में आपको हमेशा बताता हूँ, वृषभ लगन के अंदर, तुला लगन के अंदर, कैप्रिकॉर्न यानी मकर लगन के अंदर, और कुंभ लगन के अंदर, तो लगभग ये चार लगन ऐसे हैं जिनमें शनि की महादशा या शनि की अंतरदशा नुकसान नहीं करती, इरिस्पेक्टिव जितना मर्जी इल प्लेस हो, जितना मर्जी नेगेटिवली प्लेस हो। अच्छा प्लेस जो होगा तो दोस्तों राजा बना देगी, नेगेटिव प्लेस जो होगा तो नुकसान नहीं करेगी, हाँ मीडियोकर तो आपको कर ही देगी। किसी और दोस्तों लगन हो, कर्क लगन हो, कोई और लगन हो, तो वहाँ शनि की दशा नुकसान कर सकती है। लेकिन दोस्तों मकर लगन वालों को जो कि अपनी शनि की दशा है दोस्तों, कोई कितना भी बड़ा डाकू लुटेरा हो, कितना भी बड़ा रेपिस्ट हो, कोई कितना भी बड़ा दोस्तों माफिया होगा, वो अपने घर में अपने परिवार का नुकसान नहीं करेगा। दोस्तों रेपिस्ट भी होगा तो अपने घर की माँ बहनों की पूरी रक्षा करके चलेगा। उसी तरीके से दोस्तों कोई नेगेटिव प्लैनेट भी होगा ना, तो अपने घर की दोस्तों रक्षा करेगा, यानी कि अपने घर बोले तो इनसे जो लोग रूल्ड आउट है, अपने बच्चों को, अपने जिनकी जिनकी राशि मकर की राशि होगी उनका नुकसान नहीं करेगा। एग्जैक्टली दोस्तों वही यहाँ पे हुआ। तो दोस्तों शनिदेव ने इस 19 साल के अंदर कमलनाथ जी की जो सक्सेस स्टोरी थी उसको अभी रोका भी नहीं, इनफैक्ट आपने ये दशा डिस्कस कर ली ना? नहीं, ये करनी है, ये करनी है अभी शनि में जुपिटर। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से, मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा, ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है। जैसे ये पॉलिटिशियन की कुंडली है, नेक्स्ट कुंडली आप किस पर देखना चाहते हैं जल्दी कमेंट या कस्टम मैसेज करके बताइए, और किसी के कोई क्वेश्चन रह गए हों तो हमें कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन का रिप्लाई हम जल्दी ही करेंगे कि एमपी पोल्स में इनकी कैसी रहेगी परफॉर्मेंस, और उसके बाद लोकसभा चुनाव जो 2024 में, इन दोनों में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो जल्दी हम क्वेश्चन लेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अब हम इस शनि की दशा को छोटा कर लेते हैं, इनकी अंतरदशा पर आए थे। शनि जुपिटर सेवेंथ एंड टेंथ की दशा है, 22 जुलाई 2018 में स्टार्ट हुई और 2 फरवरी 2021 तक चली, ऑलमोस्ट 2.5 साल की दशा। तो इसी बीच आपने लिखा हुआ सीएम बने हुए हैं और सीट इनकी गई है। दोस्तों मेरे को याद आता है जब मेरा चैनल नहीं था, फेसबुक के इंस्टाग्राम पे था मैं दोस्तों, तो मैंने जब इनकी कुंडली डाली थी, मैंने एक बात लिखी थी कि ये 2020 मिड से ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, इनके सरकार गिरेगी ही गिरेगी। दोस्तों एग्जैक्टली भाई वो मार्च 2020 होली का दिन था शायद दोस्तों, कोविड की पहली वेव आ ही थी अभी, तो ये इनके सरकार दोस्तों गिर गई थी, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का दोस्तों रोल बहुत बड़ा था। दोस्तों अब ये हैरानी की बात नहीं है कि यहाँ पे देखिए शनि जुपिटर दोस्तों इसी दशा में सीएम भी बने, तो मैंने बताया गुरु बहुत स्ट्रांग है, शनि बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे दोस्तों चौथे नंबर पर, तो यहाँ पर दोस्तों सीएम बन गए लेकिन इनकी सीट को चली गई। तो इसकी जब मैंने विवेचना करी थी कि जब जो दशा सीएम बना रही है वो दशा सीएम पद से दूर कैसे लेके जा सकती है दोस्तों, तो उसमें दो तीन चीज़ें थी दोस्तों जो मेन मेरे को डिस्कस करनी थी कि उसमें जब मामा जी यानी कि हमारे शिवराज सिंह चौहान और इनकी अपनी कुंडली और राहुल गांधी की यानी कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे या जो सोनिया गांधी थी तब उनकी कुंडली मैंने विवेचना की थी, उनका टाइम नेगेटिव था तो वहाँ पर दोस्तों लॉसेज नजर आ रहे थे। तो दोस्तों ये दशा अब ये आप देखिए कितनी ट्रिकी बात हो जाती है कि एक दशा आपको राजयोग भी देती है और एक दशा आपके सत्ता से भी आपको बेदखल कर देती है। इसमें दोस्तों मामा जी की जो कुंडली थी वो इन पर भारी पड़ी, उस दशा के अंदर दोस्तों इनकी गद्दी भी चली गई। और दोस्तों मुझे एक बात याद भी आती है, जब सीएम के जब ये जो मध्य प्रदेश के जब चुनाव हुए थे तो भी मैंने एक प्रेडिक्शन डाली थी मामा जी की कुंडली से कि ये चुनाव दोस्तों बहुत टाइट रहने वाले हैं,
मामा जी को वोट मिलेंगे, हो सकता है उनके सरकार बने, लेकिन उनमें उसके जो चांसेस थे कमलनाथ जी के चांसेस ज़्यादा थे सीएम बनने के। दोस्तों सीएम तो बने, लेकिन वोट परसेंटेज या वोट के जो टोटल वोट थे वो शायद दोस्तों बीजेपी को ज़्यादा मिले थे, लेकिन सीट्स उनको ज़्यादा मिलने की वजह से ये सीएम बन गए थे। दोस्तों बहुत क्लोज फाइट थी। तो एग्जैक्टली मेरे को अपनी बातें याद आ रही है दोस्तों, 4 साल पुरानी बातें जब मैंने प्रेडिक्शन फेसबुक पर करी थी। मतलब इनकी राहु की दशा जो कि इनकी यंग एज में आई बहुत, फिर जुपिटर की, फिर शनि की, मतलब तीनों ही दशा बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि कोई केंद्र की दशा है, कोई त्रिकोण की दशा है, तो सब इनके लिए फ्रूटफुल रही। गेंद्स की दशा सारी, बिल्कुल। अब हम आते हैं इनकी करंट दशा पे, मरकरी की दशा जो कि फरवरी 2021 में स्टार्ट हुई और फरवरी 2038 तक चलेगी, 17 साल की महादशा इस दशा के बाद। ये आज की करंट दशा है और इस दशा को, और ये जो बुध है ये 11th में है फिर से, तो मतलब गेंस प्रॉफिट्स वाले हाउस में, तो ये दशा भी इनके लिए अच्छी रहनी चाहिए। दोस्तों किस्मत की बातें होती हैं कि जब इंसान की जीते की इतनी सारी दशा एक के बाद एक रिपीट करती चली जाए दशा। दोस्तों बुध मकर लग्न में, शनिदेव का मित्र, दोस्तों राशि का भी लॉट, कन्या राशि का भी लॉट, लक वाले जहाँ पे इसकी राशि लक वाले हाउस में आती है, और दोस्तों प्लेसमेंट कहाँ पे आ गई, गेंद वाले हाउस के अंदर, सूर्य के साथ दोस्तों मित्र, शुक्र के साथ दोस्तों मित्र, केतु के साथ दोस्तों मित्र, मंगल अपने ही साइड में वैसे भी पॉजिटिव है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों थर्ड मतलब सिक्स और नाइन्थ में दोस्तों मूल त्रिकोण राशि है, तो लक का प्ले ज़्यादा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि नाइन्थ का लॉट जब भी इलेवंथ में जाएगा, ऐसे में जो भी दशा आएगी वो दशा बहुत पावरफुल दशा हो जाती है। तो दोस्तों बुध की दशा भी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि दशा निराश करने वाली नहीं है, इनका जो पॉलिटिकल करियर है दोस्तों अभी भी फ्लरिश करेगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सिक्स हाउस की दशा भी है, तो इतने नाइन्थ का रोल तो प्ले करना है, लग तो जगह जगह पापा का आशीर्वाद तो उसको मिलेगा ही, बट क्योंकि सिक्स का भी लॉर्ड है तो बीमारी भी दोस्तों देखा जाता है, वो हेल्थ वाला पार्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अलग चीज़ होती है दोस्तों, यहाँ पे हम सिर्फ पॉलिटिक्स पे अपना कॉन्सेंट्रेट करके चलते हैं। तो दोस्तों अगर हेल्थ आड़े नहीं आती तो ये जो दशा रहने वाली दोस्तों इनका, इनकी जो कांग्रेस में जो हैसियत है दोस्तों वो अभी भी बढ़ेगी ही, नीचे आने का कोई रीजन बनता नहीं है यहाँ पे। हेल्थ प्रॉब्लम हो भी गई तो एज फैक्टर भी है। हाँ। और आप ये देखिए एक के बाद इनकी दशा कितनी सुमित अच्छी आई है, मैं यही नोट करती, पहले फिफ्थ हाउस की दशा राहु की, फिर सेवन्थ की शनि की, फिर टेंथ की नहीं, फिर फिफ्थ की राहु की, फिर जुपिटर की टेंथ की, फिर शनि की, फिर इलेवेंथ की दशा, मतलब चारों एक के बाद एक अच्छी दशा, के बाद एक केंद्र की या प्रोफेशन की, बिल्कुल। चलिए मरकरी की दशा को हम छोटा कर लेते हैं, इसकी अंतर दशा पे आ जाते हैं। मरकरी और केतु ये फिर से इलेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है जो आज की करंट दशा है, 1 जुलाई 2023 को स्टार्ट होगी और 27 जून 2024 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 10-11 महीने की दशा, और इसी बीच MP के चुनाव हैं, पोल्स हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस कैसी लेगी। चलिए फ्रेंड्स हमने आपका क्वेश्चन ले लिया है, आपका इंतजार खत्म हुआ, अब आप अपना रिप्लाई सुनिए। दोस्तों केतु मरकरी, केतु दोस्तों फ्रेंडली प्लैनेट, दोस्तों एक ही साथ में प्लेस्ड है, गेंद वाले हाउस के अंदर है, राशि का लॉर्ड है, उस केतु अपने अंदर मरकरी का भी इफेक्ट लेके जा रहा है। तो दोस्तों कह सकते हैं हम कि ये दशा बहुत ज़्यादा पावरफुल दशा है, गेंद वाली दशा है, सत्ता वाली दशा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे सत्ता का जो लॉर्ड है शुक्र दोस्तों वही बुध के साथ है, केतु के साथ है। दोस्तों आसान नहीं है बीजेपी के लिए दोस्तों, ये बात हम मान के चल सकते हैं कि कमलनाथ जी की, अगर कांग्रेस कमलनाथ जी के अंडर फाइट करती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोकस कमलनाथ जी पे किया जाता है, उनके चुनाव उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है, कांग्रेस का जो हाई कमान है वो सिर्फ अगर रैली करता है यहाँ पे या सिर्फ दोस्तों कहीं ना कहीं आता है वहाँ पे MP के अंदर अपनी यात्राएं करता है, एक अलग बात है, बट अगर कमलनाथ जी अपने बलबूता चुनाव लड़कर चलते हैं दोस्तों तो मामा जी के लिए आसान नहीं है। हालांकि जब मैंने मामा जी की कुंडली भी बनाई थी तो मैंने आपको एक बात कही उनकी दशा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तब मैंने आपको एक बात कही थी कि हम कमलनाथ जी की बाकी वीडियोज़ को भी एक बार देखेंगे तभी हम समझ पाएंगे कौन जीतने के चांसेस ज़्यादा है। आज की डेट में दोस्तों अगर मैं इनकी कुंडलियों को भी देखूँ तो मामला मुझे फंसता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। यहाँ पे दोस्तों जो टाइम है बिल्कुल नेक एंड नेक टाइम चल रहा है, बिल्कुल एक कदम ताल चलता हुआ टाइम चल रहा है, उसमें दोस्तों एक कदम ज़्यादा कौन आ गया एक बार मैं दोस्तों उसके बाद जरा दो वीडियोज़ हमारी जो रहती हैं दिग्विजय सिंह की भी और जो मैंने आपको दूसरी वीडियो बताई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी उनके एक बार हम वीडियो बना लें और लास्ट में दोस्तों मोदी जी की और राहुल गांधी की कुंडली को भी फैक्टर करते हुए फिर मैं अपना फाइनल डिसीजन दूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कांग्रेस आउट ऑफ रेस नहीं है, कांग्रेस के दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है कमलनाथ जी के साथ, ये दशा दोस्तों छोटी दशा नहीं है दोस्तों, बहुत बड़ी दशा बन जाती है वाली। तो अभी दोस्तों कहना थोड़ा सा मतलब इतना सा, और दोस्तों तब जब ये दशा आएगी तब तक तो दोस्तों शनि का भी रेट्रोग्रेशन खत्म हो जाएगा, शनि डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना सेकंड हाउस के अंदर, और ज़्यादा पावर मिल जाएगी दोस्तों, तब गुरु चंडाल योग भी खत्म हो जाएगा, जुपिटर दोस्तों अकेला रह जाएगा यहाँ पे फोर्थ हाउस में, सत्ता वाले हाउस को देखिए और पावर देगा दोस्तों, और तब राहु भी दोस्तों चौथे घर को छोड़कर थर्ड हाउस में आ जाएगा, जहाँ के राहु भी बड़ा पावरफुल हो जाता है दोस्तों। चीज़ें बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए,
कमलनाथ जी का बहुत तगड़ी फाइट देने वाले हैं यहाँ पे। बस एक कदम कौन आ गया दोस्तों, एक बार हम मोदी जी के राहुल जी कुंडली फैक्टर कर लें और बाकी जो पेंडिंग दो कुंडली दोस्तों अगली बना के फिर हम अपने डिसीजन पे आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चुनाव बिल्कुल अभी बहुत टाइट फंसता हुआ नजर आ रहा है दोनों बीजेपी के लिए कांग्रेस के लिए। मतलब आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी? वो अभी लास्ट में हम दो कुंडली और बनेंगे तब मैं कंपेयर करके। दोस्तों मेरे से गलती क्या रह गई थी, जब हमने कर्नाटक के चुनाव किए थे मैंने बहुत बड़ी गलती की थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे कहने में दोस्तों शर्म नहीं है। तब मैंने दोस्तों मोदी जी की कुंडली और राहुल गांधी की कुंडली को कंपेयर करके कहा था कि बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं उधर कर्नाटक में, उल्टा हो गया था दोस्तों काम। लेकिन दोस्तों तब मेरी गलती क्या थी, तब मुझे उनको कंपेयर करना चाहिए था सिद्धारमैया को और डी के शिव कुमार को साथ जो बम्बई थे जहाँ के सीएम थे, चुनाव उनके फेस पर लड़ा गया था, सेंट्रल चुनाव नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस बार वो गलती सुधारी, अपनी कोशिश करी गलती सुधार के उसको और शॉर्टलिस्ट करते हैं और एमपी के दो बड़े खिलाड़ी हैं उनको भी एक बार हम करेंगे। लेकिन अभी के लिए दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी शिवराज सिंह चौहान को बहुत तगड़ी वाली फाइट देकर चल रहे हैं अभी, मतलब अभी चुनाव से बाहर नहीं है ये, अभी पूरी तरह से चुनाव में है और जीत भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मतलब परफॉर्मेंस इनकी अच्छी रहेगी, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस रहने वाली। चलिए फ्रेंड्स इनके सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी रिजल्ट जो भी हो। चलिए फ्रेंड्स जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज का आखिरी क्वेश्चन जो आप सब जानना चाह रहे थे कि लोकसभा चुनाव 2024 में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो ये सुमित अब आपको बताएंगे। दोस्तों अब लोकसभा की बात करें तो कि वहाँ पे दोस्तों खेल आ जाता है मोदी जी के ऊपर, दोस्तों वहाँ पे खेल आ जाएगा राहुल गांधी के ऊपर, दोस्तों वहाँ पे खेल आ जाएगा ऑपोजिशन के ऊपर, तो वहाँ पे हम उनको भी फैक्टर करके चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों मर्क्यूरी के तो मैंने बता दिया बहुत शानदार दशा, कोई दिक्कत नहीं है दशा, फैंटास्टिक दशा। तो साथ में शनि आ गया, अब यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि शनि अगर आप नोटिस करेंगे शनि का यहाँ पे सत्ता वाले हाउस पे या शनि का यहाँ पे गेंद वाले हाउस पे कोई इफेक्ट है नहीं। यहाँ पे शनि का इंपैक्ट दोस्तों या तो फर्स्ट हाउस पे या फोर्थ जनता वाले हाउस पे, लेकिन जनता में दोस्तों शनि की नीच की राशि है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक बात मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ, मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान की कुंडली और मोदी जी की कुंडली देखें, बाकी जो बीजेपी के मेन जो योगी जी उनकी कुंडली देखें, बिकॉज यूपी और मध्य प्रदेश बिल्कुल साथ में चिपके हुए दोस्तों। तो यूपी योगी जी का इफेक्ट दोस्तों वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, हिंदुत्व वाली लहर अगर हम चलें इस तरह की बातें करें तो दोस्तों ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि 2024 चुनाव के अंदर चाहे ये सीएम बने या ना बने, वो भी हम लोग अब एक दो वीडियो के बाद मैं बताऊंगा आपको, ये सीएम बने या ना बने 2024 में दोस्तों बीजेपी का फिर से क्लीन स्वीप होगा। वहाँ पे बीजेपी की सीटें सिर्फ एक आधी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट क्लीन स्वीप दोस्तों बीजेपी का ही होने वाला है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी अपना डंका बजाएगी, जिस तरह नाम दोस्तों आपको बता सकें कि यूपी में बीजेपी को मैक्सिमम सीट्स आएंगे, 50+ सीट्स आ सकती हैं दोस्तों, उसी तरीके से यहाँ पे भी दोस्तों मैक्सिमम सीट्स आएंगी, एक आधी सीट दोस्तों ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए। तो बीजेपी का लोकसभा का जो रथ है दोस्तों वो यूपी से चलेगा, मध्य प्रदेश में भी चलता रहेगा, वहाँ भी कोई रुकावट नहीं है। फिर हम किसी और स्टेट की बात करेंगे जब महाराष्ट्र की, तब मैं आपको बताऊँगा। लेकिन इसकी बात है दोस्तों ये मामला बहुत टाइट है, बहुत ज़्यादा टाइट है दोस्तों। इसमें बस दो चीज़ों को मैं और फैक्टर कर लूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को और दिग्विजय सिंह को, फिर मैं आपको अपना फाइनली बता पाऊंगा कौन जीतेगा। बट दोस्तों मुझे लग रहा है कि अगर जीत भी जाएंगे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, बिकॉज इनके दशा और मामा जी की दशा बहुत टाइट टू टाइट, नेक टू नेक चल रही है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स तो सुमित आपकी क्या प्रेडिक्शन है, जीतेंगे? जीत भी जाएंगे तो हरानी वाली बात नहीं होगी, बस दो कुंडली और बनानी है ना तो ही वर्डिक्ट दे पाऊंगा। और लेकिन दोस्तों ये बात पक्की है कि 2024 के अंदर ये कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कांग्रेस का फिर से वहाँ पे सफाया होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव के अंदर, वहाँ पे दोस्तों बीजेपी का डंका बजेगा, इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए जो इनकी प्रेडिक्शन है, और किसी के कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन पर देखना चाहते हैं जल्दी से हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं सूर्य की वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों कार्यकर्ताओं के लिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है अगर वो लग जाए ढंग से काम करें और ढंग से इनके रैली मैनेजमेंट की जाए, अगर कांग्रेस अच्छे से चुनाव लड़ते हैं बिना किसी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के, तो दोस्तों अगर जीत भी जाएंगे तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। चलिए दोस्तों जय माता दी, बाकी दो कुंडली में आपको अपना फाइनल बर्थडे देता हूँ। जय माता दी, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।